बुधवार को दी कैलकाटा इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा यूनियन बजट 2019 पर एक चर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील नारायण जैन ने यूनियन बजट की प्रमुख बिंदुओं को विस्तार पूर्वक समझाया। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष एलन मुंदड़ा, कोषाध्यक्ष उमाकांत अग्रवाल, सह सचिव सौरभ लाखोटिया, सचिव किशन मोहता, मुकेश सिन्हा के साथ ही कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। क्या देखिए, इस बार का जो बजट है, पहले तो लोगों की आशंका थी कि वोट ऑन अकाउंट होगा कि बजट होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री ने वोट ऑन अकाउंट में नहीं जाके बजट ही पेश कर दिया। यानी इनकम टैक्स से संबंधित भी कई सारे अमेंडमेंट जो है उन्होंने फाइनेंस बिल के जरिए जारी किए, और ये सारे जितने भी संशोधन के प्रस्ताव है ये सब करदाताओं के हक में है, करदाताओं को रिलीफ देने के लिए है। कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं कि कोई करदाता का कष्ट बढ़े। तो इस बात के लिए क्या है कि एक टेक्निकल बात थी कि वोट ऑन अकाउंट हो कि बजट हो, तो ये जो भी है वो टेक्निकलिटी में नहीं जाके हम यही कहते हैं कि सरकार जो है, केंद्रीय सरकार ने अच्छा काम किया है कि लोगों को रिलीफ दी है। चीज़ों से दो तरह के फायदे पब्लिक को होंगे, करदाता को। पहला फायदा कि टैक्स का भार कम होगा, दूसरा फायदा है कि पेचीदगी कम होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लायंस कॉस्ट। कंप्लायंस कॉस्ट में भी कमी आएगी, तो ये काबिले तारीफ सारे प्रस्ताव हैं, और लोगों को चाहिए, करदाताओं को, इसका पूरा उपयोग करें, और पूरा उपयोग करते हुए जो अपना टैक्स कम कर सकते हैं वो करिए। इनकम टैक्स में बहुत सारी छूट उपलब्ध है, जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर 6A की विभिन्न धाराओं की तरह छूट मिल सकती है। उन सब छूटों का करदाताओं को पूरा लाभ लेना चाहिए, ताकि उनकी इनकम पर टैक्स कम लगे। इस बार जितने प्रावधान आए हैं सब लोगों के भले के लिए हैं, कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे किसी का नुकसान हो। हर बार जो बजट में संशोधन होते हैं, कभी 80, कभी 90, 100, कुछ प्रावधान है जिसमें फायदे दिए जाते हैं, कुछ प्रावधान ऐसे भी होते हैं जिसमें लोगों की समस्या बढ़ती है। इसलिए ये जो बजट है, क्योंकि सारे बेनिफिट दिए गए हैं, इसलिए कोई इसमें से 10 में से 9 देने का सवाल नहीं है।